वेलकम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी आंटी आई है पंजाब से, इनके बच्चे भी अभी इधर ही आके बैठे हैं। अभी आंटी नहीं आई, शायद वो सामान के साथ आ रही है। हसीब भी आ गया, खिजर भी आ गया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी वो लोग अभी गए अपनी मम्मी के घर। हसीब पहले इधर आया, फिर गया अपने घर, इधर से मिल के फिर अपने घर गया है। तो अभी जैसे ही वो आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले मैं दिखाती हूँ, हमने मंगाया दाल चावल, ये हमारी तरफ मिलते हैं। पत्नी कैसी होती है दाल, अच्छे लगते हैं। मैं दिखाती हूँ, मैंने मंगाया यहीं से, गया था ना वो उधर ही, तो मैंने लगा उधर से दाल चावल लेकर आई हूँ। तो खाना वाना सब बनवाया, लेकिन बस मैंने फिर भी मंगा लिया। देखें, ये है हमारे दाल चावल। कौन सा दाल चावल होते हैं, क्या नाम होता है इसका? होते हैं, कौन से होते हैं पता नहीं, कौन सा होता है नाम मुझे याद नहीं है। इसमें ना हर चीज ही निकलती है दाल में, पता नहीं कैसी दाल होती है। लौकी भी होती है इसमें, और वो भी होता है, क्या नाम है ये, क्या है ये, छोले भी होते हैं। ये अब्बू के लिए मैंने बचाए और ये हम लोग खा रहे हैं। अभी हम आए हैं, क्या नाम है, आलू ले गए मार्केट से। तो मैं जा रही थी, लेकिन मेरे को ना जल्दी हो रही थी, इस वजह से ना मैंने वीडियो नहीं बनाई जाते टाइम। लेकिन आते टाइम मैंने आप बना ली वीडियो, आप लोगों को भी बताया, आप लोगों से भी शेयर किया, आप लोग फिर हमें कीजिएगा। और मैं दिखाती हूँ, मैंने ले लिए आलू, ये नए आलू मिल रहे, पुराने आलू अभी आ नहीं रहे। ये मिल गए आलू, क्योंकि आलू बहुत बिल्कुल ख़त्म हो गए थे आज। ये देखो, ये हमारी आंटी आ गई हैं पंजाब से, इतना आ रही हैं। इतना आ रही तो नहीं हूँ मैं, क्यों अभी देख साफ हो गया पहले से। ये हमारा खिजर भाई जा रहे हैं। कैसा लगा आपको पंजाब से आके? बहुत अच्छा लगा, आपका मुंह काला हो गया। चलो, कैसी रेलगाड़ी बनी हुई। टाटा। आने दाल मोट लेने, ये अंकल हैं दाल मोट वाले, ये भी लेने आ रहे हैं। आंटी के घर जा रहे हैं। ये लो अंकल, 10 रुपये की दो। प्याज कम डालना, बल्कि प्याज में ही डालूंगी आज तो, सजा भी दी। प्याज है तो थोड़ी सी डालना बस, मिट्टी नहीं खाती प्याज। प्याज सस्ती हो गई क्या? 20 रुपये किलो प्याज है। जब इतनी काट ली छोले नहीं रखे हमने। अच्छा, छोले भी बना लो, छोले भी बिकते हैं बहुत। हमने दाल मोट ले लिया, हम जा रहे हैं, खा रहे हैं। और इतना आ रही है, यहाँ पे वीडियो बन रही है। क्या बना आया पंजाब में? मजा आया। अब घर जाने की सेटिंग में है, बस थोड़ी सी देर हो रही है, हम घर जाएंगे। ये अंकल आ गए, ये आ चुके हैं हमारे अंकल, बहुत ही डरा रहे हैं। ये हमें डांटे जा रहे हैं। कौन डांटे जा रहे हैं आपको? कौन डांटे जा रहे हैं? ये हमारे मियां हमें डांटे जा रहे हैं बार बार। क्या बोल रहे हैं? आगे तुम तो रुक जाओ वहीं पे, शादी है अभी, परेशानी हो जाएगी। ये भी गुम कर दोगी, तुम एक डाली है, तुमने गुम कर दी है। अच्छा, और सोने की। तो मैंने बोला नहीं, अभी मैं ना बहुत थकी हूँ, इसलिए है ना मेरे पैरों में बहुत तकलीफ हो रही है। ये देखो वो लंबी दिखा रही है, मेरे पांव सूजे हुए हैं, पतले हैं नहीं तो मेरे पैर, इसलिए है ना। अब हम जाके थोड़ा घर में सफाई करेंगे, आराम करेंगे। घर बहुत गंदा हो गया, 10-12 दिन से घर हमारा ताला बंद था। अच्छा, और आप अपनी बहू भी देखकर आएंगे, आपको पसंद आई? बहू देखकर आए हम, हमारी बहू बहुत अच्छी है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी है, पांचों टाइम की नमाजी है, पांचों टाइम की नमाजी है माशाल्लाह, और इतने इतने लंबे बाल हैं उसके। अच्छा, खूबसूरत है, जब हंसती है तो उसके गालों पे गड्ढे पड़ते हैं। अच्छा, उन गड्ढों में आलू उगा लेना। मक्कुल अंकल से मक्कुल अंकल के बारे में तो कुछ, कितनी क्लास से पढ़ी हुई है? मैं क्या बोल रही हूँ, कितनी क्लास पढ़ी हुई है बंटी? मक्कुल अंकल के पास अभी है ना, अब 11वीं जमात में जाएगी वो। अच्छा, हाँ माशाल्लाह से बहुत। कहाँ तक के पढ़ रही है? अभी उसको पढ़ना है, वो बोल रही है अभी मुझे ना अम्मी मुझे पढ़ना है, तो वो अभी पढ़ाई कर रही है। अच्छी बात है, चलो मक्कुल अंकल के पास जाओ।
चलो अच्छा आप टाटा कर दो, अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज। बहुत गुस्सा हो रहा है, ये अभी हमारा मुन्ना ना बहुत तंग कर रहा था, इसे फनकदन पिलाया लेकिन इसे कुछ भी असर नहीं हुआ, ये फिर उठ गया आधा घंटे बाद। इसकी समझ में नहीं आता ये किस तरह का बच्चा है, मेरी तो समझ से बाहर है ना, ये गोद में टिकता है बस इसे बाहर ही घुमाते रहो। हमारा उन्हें तो अभी आंटी तो हमारी जा चुकी हैं और अभी हम खाना खाने बैठे थे, दाल चावल खा लिए थे लेकिन ना अभी शाम के 4:30 बजे ना शायद ना, तो अभी हल्की हल्की सी भूख लग रही है मुझे, पता नहीं क्या हो गया, इसका असर पड़ गया मेरे को ना महक का, जैसे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसका असर मुझे पड़ गया। अल्लाह ये देखो हमारे खेसर भाई के ना एक्सीडेंट हो गया, ये देखो भाई मेरे को तो ना झुरझुरी चढ़ रही है, देखो पता नहीं किस तरह से ये चला रहा था, काय में फंस गया लोग तोड़ा था ना मैंने, उसमें सरिया निकलवा था, आई हई तो उसमें अटक गया। जब भी बोलते हैं आहिस्ता चलाया कर, तू चलाता भी तो इतनी तेज है, ये देखे हमारे मुन्ना को, ये इतना शैतान है, इतना शैतान है ना, बस क्या बताऊँ, ये एक मिनट चैन से नहीं बैठता है, ना गोद में टिकता है ना वैसे, बस ये बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं इधर उधर शैतानी करता फिरूँ। तो अभी हमने इसे ना तकियों में फंसा दिया, अभी हमें काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमें पकड़ने का टाइम नहीं है, हमने इसे तकियों में फंसा दिया। भाई चल तू ऐसे फंसी रहे, फंसा रहे, अभी ये देखो हमारा जाने का काम है, हम काम कर रहे हैं, इसे अपनी लगी है, ये देखो नहीं उधर ही रहे और अड्डे में आके लटक रहे। तो अब हमारा काम भी हो चुका है कंप्लीट, और मैंने आज बनाया था, क्या बनाया है, आलू गोश्त बनाया है मुर्गी का, तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, 11 बज रहे हैं, तो मैं जाऊँगी खाना खाऊँगी, और ये देखें ये हमारा काम भी हो चुका है, कितना भरा हुआ है अल्लाह। तो यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे को खाना भी खाना है और आलू वगैरह भी छीलना, आलू भी नहीं चाहिए मैंने मम्मा को छीलने के लिए, तो आलू छिलवाना है, बर्तन धोना है, फिर खाना खाना है और फिर सो जाना है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।